लेकिन हम लोगों ने श्रद्धांजलि आज अर्पित की है। मुंगेर जिला के रहने वाले थे, अंतिम क्रियाक्रम सुल्तानगंज घाट पे हो रहा है। पूरा प्रशासन हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं और देख रहे हैं कि मुंगेर के भी DM और SP साहब सब लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों की बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि है और जो भी प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से जो भी मदद होगा वो हम लोग शोक संतप्त परिवार को करेंगे। जैसा कि आपको पहले ही पता चल गया होगा कि 4 तारीख को श्रीनगर में मैसूमा इलाका है लाल चौक के पास, वहाँ पे जो आतंकवादी हैं उन्होंने भीड़ का फ़ायदा उठाकर चोरी छुपे हमारी जो एक सेक्शन वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी LO ड्यूटी, उन पे हमला किया जिसमें हमारे 2 जो बहादुर साथी थे, एक SI हैं और एक हेड कांस्टेबल मिसाल जिनको शहादत प्राप्त हुई है, उन दोनों को गोली लगी थी। जब इनको अस्पताल ले जाया गया तो इनकी वहाँ शहादत हो गई और दूसरे जो इनके साथी हैं उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। तो कल इनका पार्थिव शरीर श्रीनगर से बाई ट्रेन पटना, पटना से फिर CRP की गाड़ियों के द्वारा इनके गृहनगर तक पहुँचाया गया था तथा उनका जो NOK थे उनको सुपर्द किया गया था। और जैसे कि उनके NOK परिवार की इच्छा थी कि आज उनका अंतिम संस्कार सुल्तानगंज में यहाँ पर किया जाए, उनको पूरे राजकीय सम्मान व सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन का क्या कुछ सहयोग रहा सर, मुंगेर और भागलपुर दोनों? जिला प्रशासन से जो भी हमारे नियम हैं कि क्या क्या कार्रवाई करनी है पूरा उनसे सहयोग हमें मिला है। इवन DM जो वहाँ के हैं हमारे मुंगेर के, उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जो अनुग्रह राशि होती है बिहार के रहने वाले जो भी हमारे सदस्य हैं, अगर उनका किसी और राज्य में आतंकवादी घटना में शहीद होते हैं तो उनको 11 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है राज्य सरकार की ओर से, उसका चेक उन्होंने आज उनको वहीं पर परिवार को सौंप दिया। लाल चौक पर ये घटना घटी और हमारे जवान शहीद हो गए और बिहार का नाम रोशन किया, सारे सम्मान के साथ राजकीय सम्मान शहीद सम्मान को सभी मिला भागलपुर मुंगेर प्रशासन और जो विभाग से उनको सारी सुविधाएँ मिल गई जैसा कि अभी आप लोग सुना है और जो संघर्ष सुविधा होगा बिहार सरकार।